तो दोस्तों आज हो गई है 2 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार कृषि कानून रद्द होना चाहिए या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जान लेते हैं। बीजेपी सांसद ने किसानों को दी है गाली, बोले कहीं और जाकर के मरो, मेरे पास ना आओ। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। बीजेपी आईटी सेल के बाद अब भाजपा नेता भी किसानों को गालियां देने लगे हैं। यह एक धड़ा लगातार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा के अंबाला से बीजेपी के सांसद रतन लाल कटारिया को किसानों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। अपना विरोध देख सांसद महोदय तिलमिला गए, जिसके बाद उन्होंने किसानों को गाली दे दी है। मीडिया को दिए बाइट में रतन लाल कटारिया ने कहा है कि ये किसान कहीं और जाकर के मर लेते, यहां मेरे कार्यक्रम में आने की क्या जरूरत थी इनको। अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया किसानों के द्वारा अपना विरोध होने पर भड़क गए थे। सर्दी में पिछले कई दिनों से सड़क पर दिन रात गुजार रहे किसानों को बीजेपी सांसद ने विकास में रोड़ा अटकाने वाला तक बता दिया है, जबकि इन घमंडी सांसदों को नहीं पता कि भारत कृषि प्रधान देश है और यही किसान देश को खाना परोस कर देते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद रतन लाल कटारिया का बीजेपी विरोध नहीं करेगी, बल्कि जो किसानों के हित की बात करेगा उल्टा उन्हें ही देशद्रोही बता दिया जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। हरियाणा निर्दलीय विधायक ने बीजेपी सरकार से समर्थन लिया वापस, कहा किसानों पर जुल्म करने वालों का साथ नहीं दे सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन से पीएम मोदी के सिंहासन पर खतरा मंडराने लगा है। किसान इस बार भाजपा के किसी भी तोल मोल के बहकावे में आने को तैयार नहीं है। राज्य स्तर पर शुरू हुआ ये किसान आंदोलन अब राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि हरियाणा की खट्टर सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। खबर के मुताबिक हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने खट्टर सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि किसानों पर किए गए अत्याचारों के मद्देनजर मैं मौजूदा सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूं। सांगवान ने आगे कहा कि मैंने किसान विरोधी इस खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये बीजेपी सरकार किसानों के साथ हमदर्दी रखने के बजाय उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले जैसे सभी उपायों का इस्तेमाल कर रही है। मैं ऐसी सरकार को अपना समर्थन जारी नहीं रख सकता हूँ। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा की खट्टर सरकार की बढ़ चुकी है मुश्किलें। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। लव जिहाद पर कर्नाटक सरकार को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। कथित लव जिहाद को लेकर के कानून लाने की तैयारी कर रही कर्नाटक सरकार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कानून लाने से पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। मुस्लिम लड़के से शादी करने को लेकर के एक लड़की के मामले में दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी वयस्क व्यक्ति के लिए अपनी पसंद की शादी करना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लव जिहाद पर आए फैसले के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला लव जिहाद पर हो रही राजनीति और लव जिहाद पर लाए जाने वाले कानूनों के अंतर को साफ करता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें, भले ही बीजेपी की राज्य सरकारें लव जिहाद के खिलाफ कानून पास कर रही हो, लेकिन ये तो कुल मिलाकर के साफ है कि ये कानून कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बैठक के बाद बोले किसान नेता, गोली या शांतिपूर्ण समाधान, सरकार से कुछ तो जरूर लेंगे वापस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों की सरकार के साथ बैठक बेनतीजा रही है। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में बात नहीं बनी है। एक बार फिर गुरुवार को सरकार की किसानों के साथ बैठक होनी है।
हालांकि बातचीत समाप्त होने के बाद बाहर आए किसान नेताओं ने अपना आंदोलन लगातार जारी रखने की बात कही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी और आज तक के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा। कहा, हम झूठ दिखाने वाले इन चैनलों को नहीं देंगे इंटरव्यू और होगा पूरी तरीके से बहिष्कार। आप लोगों को बताते चलें, नए कृषि कानूनों से नाराज किसान सड़कों पर हैं। वह लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इन आंदोलन को कुछ मीडिया संस्थाओं के द्वारा बदनाम किए जाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसके खिलाफ अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें बदनाम करने वाले चैनलों को वह आंदोलन की कवरेज नहीं करने देंगे। किसानों के द्वारा मीडिया का विरोध किए जाने का एक वीडियो भी सामने निकल के आया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है, जिसमें किसान हाथों में कुछ तख्तियां लिए हुए नजर आ रहे हैं। इन तख्तियों पर जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी और आज तक को गोदी मीडिया बताया गया है। इसके साथ ही इन चैनलों को फेक मीडिया बताते हुए आंदोलन की कवरेज ना करने के लिए कहा गया है। वीडियो में एक किसान को ये बोलते हुए सुना जा सकता है कि ये तीन चैनल उनके आंदोलन को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया है जो कभी भी सच नहीं दिखा सकती है। वीडियो में किसान कहते हैं कि इन चैनलों ने दिखाया कि किसानों ने चक्का जाम वाले दिन पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की, जबकि ये एकदम बिल्कुल ही झूठ है। यहाँ किसानों के द्वारा लंगर किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस वाले भी खाते हैं। किसानों ने आगे कहा है कि ये चैनल बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं, इसलिए मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि वह इन तीन चैनलों को अपना इंटरव्यू ना दे किसी भी कीमत पर। इन चैनलों का पूरी तरह से बहिष्कार करें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि गोदी मीडिया पर इस देश के किसानों का गुस्सा फूटा है और किसानों ने यहाँ पर अपील की है कि गोदी मीडिया का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुलकर के गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र के किसान संगठनों की बड़ी चेतावनी, सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगे नहीं मानी तो दिल्ली तक हम भी करेंगे मार्च। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में किसान व्यापक स्तर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को हर राज्य के लोगों से समर्थन भी मिल रहा है। आप लोगों को बताते चलें, इसी क्रम में मंगलवार के कई किसान समूह ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे भी दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। ऐसे में अगर महाराष्ट्र से भी किसानों का समूह दिल्ली की ओर कूच कर देता है तो इससे केंद्र सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। किसानों के समर्थन में कनाडा के पीएम बोले, मैं भारतीय किसानों के साथ हूं, उनकी स्थिति काफी चिंताजनक है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों से जुड़े तीन केंद्रीय विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की आवाज अब पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जिद और हठधर्मिता के कारण कृषि प्रधान देश माने जाने वाले भारत की बदनामी विदेशों में होने लगी है। भारतीय किसानों को दुनिया के बड़े देश और नेताओं का समर्थन मिल रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अभी तक जो देश भारत गणराज्य की बात करते हुए समर्थन करते थे, वो अब भारतीय किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका जैसे कई देशों के नेताओं ने किसानों का खुलकर के समर्थन किया है और प्रदर्शन से निपटने के तरीके को लेकर के मोदी सरकार की काफी आलोचना की है। आप लोगों को बताते चले, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसानों की आवाज में आवाज मिलाई है। किसानों के पक्ष में बोलने वाले दुनिया के नेताओं में ट्रूडो का नाम सबसे प्रमुख है। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने कहा है कि अगर मैं किसानों के द्वारा प्रदर्शन के बारे में भारत से आ रही खबरों पर ध्यान देना शुरू नहीं करता तो बेपरवाह होता। वहां की स्थिति काफी चिंताजनक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। कहा, सरकार अहंकार छोड़ करके किसानों को उनका अधिकार दे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीन विवादित केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि उसे अहंकार छोड़कर किसानों को उनका अधिकार देना चाहिए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण।
किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर के ही उतरेगा, ना कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मार कर और आंसू गैस चला करके। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर एक बार फिर से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। शाहीन बाग की दादी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दादी बोली, किसान की बेटी हूँ, अन्याय नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीते साल मोदी सरकार के द्वारा लाए गए एनआरसी और सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं ने जमकर के प्रदर्शन किया था। कई महीनों तक शाहीन बाग में हर उम्र और हर वर्ग की महिलाओं ने दिन रात बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। शाहीन बाग प्रदर्शन में सबसे चर्चित महिला बनी बुजुर्ग महिला बिल्किस बानो, जिन्हें देश भर में अब शाहीन बाग की दादी के नाम से जाना जाता है। शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान बिल्किस बानो के ना टूटने वाला हौसले और जज्बे देख देश के लाखों लोगों ने इस बुजुर्ग महिला को अपना प्रेरणा स्रोत मान लिया। खबर सामने निकल के आ रही है कि एक बार फिर शाहीन बाग की दादी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने चल पड़ी हैं। हरियाणा और यूपी की सीमा पर देश के किसानों को अब बिल्किस बानो का समर्थन मिल गया है। सोशल मीडिया पर शाहीन बाग की दादी की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें वह कहती हुई नजर आ रही है कि जब उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था तो उन्हें किसान भाइयों का समर्थन मिला था। अब जब किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो वह उन्हें समर्थन देने के लिए जा रही हैं। जो किसानों की मांग है वह हमारी भी मांग है और वो मांग बिल्कुल ही जायज है। हम भी किसान की बेटी हैं और बहू हैं, हम अपनी आवाज उठाएंगे। मोदी सरकार को हमारी बात सुननी ही चाहिए। इसी बीच खबर सामने निकल के आई है कि बिल्किस बानो को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने यू एंड वीटीवी पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और क्या कुछ राय है आप लोगों की इन खबरों पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने